आम गहन उपस्थित अच्छा अरुण कुमार पात्र महोदय ताकि मुझे अनुरोध करी महाप्रभु दिव्य यात्रा दृश्य को दर्शन कर धारा बरणी प्रदान करने जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ असार संसार बंध छेदमो खरे मुकुंद अथल पाप पयोधि दिय सुखाई हेनाथ दीन अनाथ पाई शाश्वत निश्चित प्रेमपत्र क्षेत्रे थी अच्छ बुढ़ाई पथुकी मो नयन पथे हुंतु प्राणस्वामी मो से जगन्नाथ। वर्तमान ये जो बाहुड़ा यात्रा बहु संख्यारे भक्त मान आसी उपस्थित होती श्रद्धाबाली निकटरे जे आउ किछि समय परे मध्य आमर आरंभ हो समस्त कार्यक्रम पहंडी विजय एवं अन्यान्य जिनस आरंभ हो तेणु ये प्रभु किए ये प्रभु कौन पई आसी जो आड़प मंडप को कौन पई आसी कौन हैला तेणु एटिके आसी जितेबले पंचमी रे आसते हेरा पंचमी उत्सव पालन हो जाइछि अभिमानिनी लक्ष्मी आसी जे से प्रथम तो 15 दिन रहिले अणसर घरे रहिले सहित संपर्क जे तांकर पति पत्नी रो से जो भाव से भाव रु से वंचित हो रही थे तापर गले पुणी रथरे रथरे चढ़ी पुणी आसिले ये जो आमर आड़प मंडप को आसिले एठी पुणी नवदिनात्मक यात्रा तांकर हला तेणु ये पति पत्नी रो भाव पुणी जे जेतेबेले आसिले प्रभु जगन्नाथ मो माँ लक्ष्मी को आनी नथिले ए जो ये होची उत्कलीय संस्कृति उत्कलीय परंपरा जे ये रथरे अछंती देढ़सुर तेणु से भाई बहु को किभली भाव में गोटे देढ़सुर भाई बहु आसिबे सहित से आनी नांती ये सामाजिक परंपरा को देखी से जे रोष करिछले आमर लक्ष्मी तेणु महालक्ष्मी रोष करिछंती तेणु से आसी जेतेबेले ए वाड़प मंडप को सेतेबेले विमला माँ विमला पाखु मोहचूर्ण आनी से मोहचूर्ण को आनी से ये नाक देखला मतरे ये बड़दाण्ड बड़दाण्ड सिंह द्वार दे प्रवेश नाकचणा बाटे जा से मोहचूर्ण को मोहचूर्ण को धूप आकार तापरे प्रभु जगन्नाथ मोहभंग होता मोहभंग से पुणी आउ 2 दिन भितर बाहुड़ी जीवे बोली प्रतिश्रुति तापरे सेतेबेले से तांकु आसीथिले सेतेबेले तांकर क्रोधान्वित होई से रथर नंदीघोष रथर चक्र मध्य भांगीथिले एवं तांकर देवदासी माने से दैतापतिंकर वस्त्र को मध्य चिरी देथिले तापरे से फेरी आसीथिले श्रीमंदिर को तेणु ए जो लीला ये जो विरहर लीला घटिला से घटिला सेतिपई जे अमर अछि जे एथिपाई कर्तव्य रे कर्तव्य को सम्मान दे प्रभु जगन्नाथ तांकु आनी नथिले सेथिपाई से गंगाधर मेहर राजधर्म कवितारे कहिछंती जे मेघ जेभली भावरे मेघर कार्य होउछि से जलधार प्रदान करिवो जल प्रदान करिवो वर्षा दब किंतु ता हृदय बिजुली द्वारा तार आघात प्राप्त होउछि चलचंचल बिजुली रो जे खररे तार हृदय मध्य आघात प्राप्त होउछि तेणु से कहिछंती गंगाधर मेहर वर्णना करिछंती हृदय पछे जले विद्युत अनले जल दाने घन बाध्य हृदय पछे जले विद्युत अनले जल दाने घन बाध्य तेणु निज सुख तेजी राजा पाळई परजा तेणु से परमाराध्य तेणु ये बाध्य होती से कार्य करने सामाजिक कार्य करने जितेबले पत्नी पत्नी ठारू सर्वदा जब पति पत्नी सहित रहंती ताहले ये प्रीति क्रमश कमी जाए तेणु जितेबले विरह विच्छेद घटे सेतेबले ये प्रीति सुन जगू जो प्रीति थाए एवं तारे 10 और 100 भली जो प्रीति बढ़ी जाए तेणु से कही अंक द्रव्य प्रीति ह्रास नीति नीति देखु देखु पुनः पुनः हेले शून्य अंक शून्य जोगे अंक परिहृद प्रीति गुण तेणु ये जो विरह विच्छेद घटी ताद्वारा पुणी प्रेम भाव आसव से पुणी नीलाद्री विजय पर अभिमान वचन हम एवं से पति पत्नी सुख स्वाच्छंद जीवन अतिवाहित करेंगे तेणु ये जो लोकाचार ये लोकभाव कारण ये देवता होती आमर ऐश्वरिक देवता नुहंती ये अवतारिक देवता नुहंती ये होती सांस्कृतिक देवता सांस्कृतिक देवता से आमरी भरी स्नान करती आमरी भरी दात घसती तेणु ताकू ज्वर हुए औषध खाई से भल हूँ तेणु ये सांस्कृतिक देवतार ये जो परिवेश ये जो लीला एकांत भाव में मधुर परं ब्रह्मा पीड़ा कुवलयोदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो
निहित चरण नमत शिरसी रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। देखंतु कि सुंदर भावरे दुईटी सुआ जीव एवं परम अपेक्षा करी रही जीव एवं परम मध्य रही कलश से कलश किए ना माया माया होती अनिर्वचनीय जीव परमात्मा एवं माया मा परमात्मा माया ही परमात्मा एवं जीवंक मध्य जो माया रखी देखंतु कि सुंदर भाव रे शिवतांडव नृत्य करुछंति जटाटपी गणज्वल प्रवाह पावित स्थले गणै व्यलम व्यलंबिता भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमर निनाद डमट डमर पयम चकोर चंडताम नंब तनो तुना शिवह शिवं। कि सुंदर भाव रे जेभरी भाव रे तांडव नृत्य करिथिले शिव से भली भाव रे शंकर भगवानंकर रूप को धारण करी वर्तमान जने नर्तक से भली भाव रे नृत्य करुछंती एठी तांडव नृत्य एठी दशावतार नृत्य एठी गोपी मानंग गहन रे नृत्य सब किछि होईची जहाँ पूर्वरु सुनुतिले गोभी कृष्ण रसं पिबंती जा सा गोपी गोपी मान समस्त इंद्रिय मध्य रे जे कृष्ण रस को पान करंती से होउछंती गोपी। मेने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने नथिनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की मेरे कृष्ण मेरे तन मन रंगा है कृष्ण रंग में मेरे प्राणों पे कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मैंने माला जमाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। जो भली गोपी माने कहुतिले आमे मेहंदी पिंधिचु कृष्णंक पाई नाक फोड़ेचु कृष्णंक पाई समस्त इंद्रिय को से समर्पण करिथिले कृष्णंक निकटरे। जो गोपींक कथा आपण माने सुनुतिले रास रसो वैशह रसराज रसग्राही से रसमय पुरुष जगन्नाथ महाप्रभु निकट रे जो प्रभृत रास सप्तम अष्टम नवम त्रय दिन धरी जहाँ हेउथिला गुंडीचा मंदिर निकट रे से प्रभृत रास रे आमर रास गोपी मानक मध्य रे दुई प्रकार गोपी रही छंती जने नित्य सिद्धा जने अनन्य साधन सिद्धा। एई अनन्य साधन सिद्धा गोपी हो छंती श्रुति रूपा स्मृति रूपा संकीर्ण रूपा अन्य कृपा अनन्य कृपा जो श्रुति रूपा गोपी से माने वेद शास्त्रादि को ग्रहण करी ऋषि माने जेभली भाव रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वर्णना करी छंती विधाता आम्भंको करम तारी बराहु अंते को दंडाधारी ब्रह्मा पाद फल भी है बगीचा भी बाकी कर कामिनी बेश विचारु पुलकित शरीर विचारु बेपदु आउजी जन्म वृक्ष रे विचारु। जो श्रुति रूपा गोपी थिले सेई माने कहुथिले दंडकारण्य रे जेतेबेले विचरण करुछंती प्रभु राम लक्ष्मण दुई भाई सेई समय रे कहुछंती विधाता मंगु टिके नारी बेश दियंता कि आमे टिके सेई कंदर्प कोटि कमनीय रूप को दर्शन लाभ करी तांकर सेई सानिध्य टिके लाभ करंतु। वास्तविक समस्तंकर सेई आग्रह सेई उद्देश्य सेई लक्ष्य महाप्रभुंकर आपणार हवा एवं महाप्रभुंकर आपणार भाव और निजकु बुड़े देवा पाई आज बड़ दांड रे ए गहळ